लास्ट चैप्टर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस के बारे में समझा था। इस चैप्टर में हम कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को ये एंश्योर करना होता है कि सिटीजन्स के पास कुछ राइट्स हों और गवर्नमेंट उसको वायलेट न कर सके। इसलिए ज़्यादातर कंट्रीज इन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख देती है। राइट्स के इस लिस्ट को बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। तो ये बिल ऑफ राइट्स गवर्नमेंट को इन राइट्स के अगेंस्ट जाने से रोकता है और ये भी एंश्योर करता है कि अगर वायलेशन हो तो उसके कुछ उपाय भी हों। अब इंडिया की बात करते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल में फ्रीडम मूवमेंट के लीडर्स को यह समझ आ गया था कि राइट्स कितना इम्पोर्टेंट है। मोतीलाल नेहरू कमेटी ने 1928 में ही बिल ऑफ राइट्स की मांग की थी। इसीलिए ये नेचुरल था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में ही इंक्लूड किया गया। कुछ ऐसे राइट्स जिसे स्पेशली प्रोटेक्ट किया जाएगा उसे एक जगह रखा गया और उसका नाम दिया गया फंडामेंटल राइट्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट राइट्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये अनलिमिटेड है। इसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। हर वो राइट जो किसी लॉ के थ्रू दिया गया है वो सारे लीगल राइट्स हैं। इन सारे लीगल राइट्स में से जो जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, और इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में से जो जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है वो फंडामेंटल राइट्स है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू वोट, राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि ये पार्ट 3 में मेंशन नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है, जिसमें से 14 से 32 तक एक्चुअल फंडामेंटल राइट्स है। इन फंडामेंटल राइट्स को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब सारे राइट्स को एक एक करके समझते हैं। राइट टू इक्वालिटी कहता है कि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, कानून के सामने सभी इक्वल हैं और कानून सभी को इक्वली प्रोटेक्ट करता है। रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। पब्लिक प्लेसेस जैसे शॉप्स, होटल्स, वेल्स, प्लेस ऑफ वर्शिप, यहाँ जाने से किसी को रोका नहीं जा सकता है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी इन बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा राइट टू इक्वालिटी में अनटचेबिलिटी, जो कि एक बहुत ही वाहियात प्रैक्टिस प्रचलित था, उसको भी ख़त्म किया गया है। इसके अलावा एकेडमिक टाइटल जैसे डॉक्टर या प्रोफेसर और मिलिट्री टाइटल जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल या ब्रिगेडियर, इनको छोड़ के स्टेट किसी भी पर्सन को कोई टाइटल यानी उपाधि नहीं दे सकता है। जैसे ब्रिटिश रूल में राय बहादुर, खान बहादुर, महाराजा, ये सब उपाधियाँ दी जाती थी जिसे लोग नाम के आगे लगाते थे। अभी भी किसी फील्ड में स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स देती है, लेकिन इसे आप अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते, जैसे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, नो। तो राइट टू इक्वालिटी इंडिया को एक ट्रू डेमोक्रेसी बनाने की कोशिश करता है और ये एंश्योर करता है कि सभी सिटीजन्स के बीच डिग्निटी और स्टेटस की इक्वालिटी हो। अब अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को पढ़ा है, जो कि एनसीईआरटी बुक्स के शुरुआत में भी दिया होता है, तो उसमें दो तरह की इक्वालिटी की बात की गई है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस तो मिल गया, लेकिन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देने के लिए ये जरूरी है कि समाज में जो पहले से ही डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड ग्रुप है, उन्हें कुछ बेनिफिट दिया जाए ताकि वो भी मेन स्ट्रीम में आ सके। इसके लिए गवर्नमेंट इन ग्रुप्स को जॉब या एडमिशन में रिजर्वेशन देती है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये कहता है कि रिजर्वेशन या ऐसी पॉलिसी जो किसी बैकवर्ड ग्रुप के कंडीशन को बेहतर करने के लिए लाई गई हो, उसे राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को कुछ आज़ादी दी है, जैसे बोलने की और अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी, पीसफुली असेंबल होने की आज़ादी, इंडिया की टेरिटरी में कहीं भी जाने और कहीं भी रहने की आज़ादी, कोई भी प्रोफेशन या बिजनेस करने की आज़ादी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। बोलने की आज़ादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी बेवजह डिफेम करने की आज़ादी है या कोई ऐसी बात करने की जिसे नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आ जाए। प्रोफेशन की आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि कोई स्मगलिंग करने लग जाए कि यही मेरा प्रोफेशन है। तो हर राइट्स पे कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं ताकि उस राइट्स का कोई नाजायज फ़ायदा न उठाए और उनके कारण दूसरों के राइट्स या लॉ एंड ऑर्डर खतरे में ना आ जाए।
इन रेस्ट्रिक्शंस का गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन कई बार मिसयूज भी करती है, लेकिन फिर भी इनको पूरी तरह हटा देना सॉल्यूशन नहीं है। राइट टू फ्रीडम में ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हर सिटीजन के पास जीने का अधिकार है और ये उससे सिर्फ लॉ के प्रोसेस से ही छीना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कोई क्राइम किया और गिल्टी भी पाया गया और लॉ में इस क्राइम की सजा डेथ सेंटेंस है, तो इस केस में उससे उसके जीने का अधिकार छीना जा सकता है, वैसे नहीं। इसी तरह पर्सनल लिबर्टी का राइट है, मतलब किसी को भी बिना रीजन बताए अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, और अरेस्ट के केस में भी सबके पास खुद को डिफेंड करने के लिए अपने चॉइस के लॉयर से मिलने का राइट है। और पुलिस के लिए ये मैंडेटरी है कि वो अरेस्टेड पर्सन को विद इन 24 आवर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने ले जाए और मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि अरेस्ट जस्टिफाइड है या नहीं। आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केस में एक्सप्लेन किया है और कहा है कि राइट टू लाइफ का मतलब किसी भी तरह सिर्फ जिंदा रहना नहीं है। राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू शेल्टर एंड लिवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, यहाँ तक कि राइट टू स्लीप, ये सब भी इसी का पार्ट है, क्योंकि बिना इन सब के कोई एक बेहतर जीवन कैसे जी सकता है। आर्टिकल 21 में अरेस्टेड पर्सन के राइट्स को बताया गया है। इसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट में ऑर्डिनरी अरेस्ट के बारे में है और दूसरे में प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में है। अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? नॉर्मली किसी व्यक्ति को तब अरेस्ट किया जाता है जब उसने कोई क्राइम किया हो, लेकिन कभी कभी अगर सिर्फ ये आशंका हो कि कोई व्यक्ति कुछ क्राइम कर सकता है या किसी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकता है, तो इस बेसिस पे भी उसे अरेस्ट किया जा सकता है। इसे ही प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं, मतलब किसी क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए डिटेन किया गया है। इसे मैक्सिमम 3 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद केस को रिव्यू करने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड के सामने ले जाना होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन देखने में तो एक इफेक्टिव टूल लगता है, जिससे किसी एंटी सोशल या एंटी नेशनल एक्टिविटी को रोका जा सके, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा अक्सर इसका मिसयूज किया जाता है। इसलिए जरूरी है कि इस लॉ में कुछ ऐसे सेफगार्ड्स हों जिससे इसका यूज उसी पर्पस के लिए किया जाए जिसके लिए इसे बनाया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्यूज्ड पर्सन को भी कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है, क्योंकि हमारा कानून मानता है कि जब तक कोर्ट ने किसी को गिल्टी नहीं मान लिया हो तब तक वो इनोसेंट है। इसलिए एक्यूज्ड को खुद को डिफेंड करने का पूरा राइट दिया जाता है। कोर्ट में फेयर ट्रायल हो, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक्यूज्ड को 3 राइट देता है। पहला, कि किसी व्यक्ति को एक ही ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा बार पनिश नहीं किया जा सकता है, मतलब किसी ने मर्डर किया, उसे पनिशमेंट मिल गई, अब उसी मर्डर के लिए उसे दोबारा पनिश नहीं किया जा सकता है। दूसरा है कि कोई लॉ किसी एक्शन को बैक डेट से लीगल डिक्लेयर नहीं कर सकती है, मतलब सपोज 2022 में किसी ने कोई क्राइम किया जिसकी सजा है 2 साल की जेल, अभी उसका केस चल ही रहा है तब तक 2023 में उस क्राइम की सजा हो गई 5 साल की जेल, तो भी उस व्यक्ति को वही सजा दी जाएगी जो क्राइम के समय थी, मतलब 2 साल। ये 5 साल वाला नियम बैकडेट से लागू करके उसे 5 साल की सजा नहीं दे सकते। और तीसरा राइट है कि किसी भी व्यक्ति को वैसे एविडेंस या स्टेटमेंट देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है जो उसी के अगेंस्ट कोर्ट में यूज किया जा सके। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हमारी कंट्री में लाखों लोग ऐसे हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड है और एक्सप्लॉयटेशन के शिकार हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, जिसमें से एक है फोर्स्ड लेबर यानी जबरदस्ती किसी से काम कराना, और दूसरा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसके अलावा 14 साल से कम के बच्चों को किसी डेंजरस जॉब जैसे किसी फैक्ट्री या माइन में काम पे रखने को भी इलीगल बताया गया है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इंडिया की कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी को अपने चॉइस के रिलीजन को फॉलो करने की या किसी भी रिलीजन को ना फॉलो करने की आज़ादी देता है, साथ ही अपने रिलीजन को प्रोपेगेट करने यानी प्रचार प्रसार की भी आज़ादी देता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ लिमिटेशंस है। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर में भी इंटरवीन करके कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। जैसे पहले हिंदू रिलीजन में सती प्रथा थी, जिसमें हस्बैंड के मरने पे वाइफ को उसी की चिता में जल के जान देना होता था। अब ये क्लियरली वुमेन के राइट्स के अगेंस्ट है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है और इसे रोक सकती है। इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से गवर्नमेंट और अलग अलग रिलीजन के फॉलोअर्स के बीच हमेशा कुछ न कुछ टेंशन या पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी बना रहता है। जैसे एक पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने रिलीजन का प्रचार करने की आज़ादी देता है, और अगर कोई चाहे तो अपनी इच्छा से रिलीजन चेंज भी करा सकता है, लेकिन अगर कन्वर्जन डरा धमका के या मजबूर करके किया जाता है तो वो इल्लीगल है। कॉन्स्टिट्यूशन फोर्सफुल कन्वर्जन को बिल्कुल अलाउ नहीं करता है। इंडिया में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, तो इसीलिए ये जरूरी है कि गवर्नमेंट सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करे और किसी पार्टिकुलर रिलीजन को फेवर ना करे।
नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये राइट्स स्पेशली माइनॉरिटीज़ के लिए है। माइनॉरिटीज वैसे ग्रुप ऑफ पीपल को कहा जाता है जिनका कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रिलीजन या कॉमन कल्चर है और वो पूरे कंट्री या कंट्री के किसी पार्ट में दूसरे सोशल ग्रुप के कंपैरिजन में कम संख्या में है। जैसे 2011 सेंसस के हिसाब से इंडिया में 79.8% हिंदू है और मुस्लिम सिर्फ 14.2% है, तो मुस्लिम एक माइनॉरिटी ग्रुप है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे माइनॉरिटीज को अपने कल्चर और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट और डेवलप करने का राइट देता है, जिसके लिए माइनॉरिटीज अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी सेटअप कर सकते हैं और गवर्नमेंट इन इंस्टीट्यूशन के साथ इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी कि ये माइनॉरिटी ग्रुप का है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडी का मतलब होता है उपचार, उपाय। राइट्स को सिर्फ लिख देना काफ़ी नहीं है, इसलिए कुछ ऐसे भी उपाय होने चाहिए जिसे यूज किया जाए अगर कोई इन राइट्स को छीनने की कोशिश करे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को ये राइट दिया है कि अगर उनके किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को इसके रिगार्डिंग ऑर्डर या डायरेक्शन दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 तरह के स्पेशल ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं जिसे रिट कहते हैं। पहला है हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है टू हैव द बॉडी। इसमें कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि अरेस्टेड पर्सन को मेरे सामने प्रेजेंट किया जाए और अगर अरेस्ट जस्टिफाइड नहीं है तो कोर्ट उस पर्सन को फ्री कर सकता है। नेक्स्ट है मैंडमस, जिसका मीनिंग है वीक कमांड। अगर कोर्ट को पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिस अपनी लीगल ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है जिस कारण से किसी के राइट का वायलेशन हो रहा है, तो इस केस में कोर्ट ये रिट इशू करेगी और उसे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने का आदेश देगी। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन, मतलब टू फॉरबिड, मना करना। ये रिट हायर कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है जब कोई लोअर कोर्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन के बाहर का कोई केस ले लेता है। नेक्स्ट है सर्ट्यूरारी, इसका मीनिंग है टू बी इन्फॉर्म्ड। इसमें कोर्ट लोअर कोर्ट या किसी दूसरे अथॉरिटी को ये ऑर्डर देता है कि आपके अंडर जो पर्टिकुलर केस पेंडिंग है उसे किसी हायर कोर्ट या अथॉरिटी को ट्रांसफ़र किया जाए। लास्ट है को वारंटो, मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी। इसमें अगर कोर्ट को लगता है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे ऑफिस को होल्ड कर रहा है जिसका वो हकदार नहीं है तो कोर्ट ये रिट इशू करता है कि भाई आप किस अथॉरिटी से इस ऑफिस के हकदार हैं। ये तो हो गया जुडिशियरी। इसके अलावा और भी ऐसे मैकेनिज्म बनाए गए हैं जो अलग अलग ग्रुप के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी एस्टेब्लिश किया गया है जो फंडामेंटल राइट्स और दूसरे राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। पार्ट 3 की बात तो हो गई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया है जो पॉलिसी बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है ये डायरेक्शन देता है। DPSP में मेनली 3 चीज़ें दी गई है। कुछ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एज ए सोसाइटी हमें अडॉप्ट करना चाहिए, कुछ पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट को लानी चाहिए और कुछ राइट्स हैं जो इंडिविजुअल्स के पास होने चाहिए। लेकिन ये सब गाइडलाइंस जो DPSP में दिए हुए हैं वो लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है। मतलब गवर्नमेंट अगर किसी गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है तो हम कोर्ट में जाकर जस्टिस की मांग नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी नहीं कर रही है। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि कंट्री के पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे कि इनको एक बार में इम्प्लीमेंट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना एक गोल है लेकिन बिना सफिशियंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये जस्टिसेबल नहीं है तो गवर्नमेंट इन गाइडलाइंस को सीरियसली क्यों लेगी? तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का मानना था कि सिटीजन्स गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने का काम करेंगे। किस गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल्स को कितना इम्प्लीमेंट किया, इससे सिटीजन्स उस गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस का अंदाज लगा सकेंगे और अपने लिए बेहतर गवर्नमेंट चुन सकेंगे। इसलिए सिटीजन्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पास्ट में कई कई बड़ी पॉलिसीज आई हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के बनाया गया है, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और मिड डे मील स्कीम। अब देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या अंतर है और इसके बीच क्या रिलेशन है। फंडामेंटल राइट्स ये बताता है कि गवर्नमेंट को क्या नहीं करना है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताता है कि गवर्नमेंट को क्या करना है। फंडामेंटल राइट्स मेनली किसी इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करता है, वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंश्योर करता है कि पूरी सोसाइटी का भला हो। फंडामेंटल राइट्स और DPSP के बीच में कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। एक्चुअली पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, मतलब अगर किसी की प्रॉपर्टी खतरे में है
तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट से मदद मांग सकता है। वहीं दूसरी तरफ डीपीएसपी कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब हमें पता है कि जमींदारी सिस्टम की वजह से ज्यादातर जमीन जमींदारों के पास थी और गवर्नमेंट के पास इतने पैसे तो थे नहीं कि जमींदारों से जमीन खरीद खरीद के गरीबों में बांटे। तो जैसे ही गवर्नमेंट डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई ऐसा कानून लाती थी जो किसी के राइट टू प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, तो वो जाता था सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहता था कि भाई हम तो फंडामेंटल राइट्स को मानेंगे, डीपीएसपी को नहीं। गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट करने की कोशिश की ताकि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट किया जाए। इससे एक और डिबेट शुरू हो गया। गवर्नमेंट कहती थी कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है और कोर्ट कहता था कि पार्लियामेंट कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकता है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। लंबे लीगल बैटल के बाद फाइनली 1973 में केशवानंद भारती केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड तो कर सकती है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स हैं उसको चेंज नहीं कर सकती है। फाइनली 1978 में कॉन्स्टिट्यूशन के 44th अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। मतलब अब ये सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट रह गया। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं जो एज ए सिटीजन हमें फॉलो करना है। जैसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है और नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम इन सब की रिस्पेक्ट करनी है, इंडिया की यूनिटी और इंटेग्रिटी को बनाए रखना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन इन ड्यूटीज को फॉलो न करने का कोई पनिशमेंट नहीं बताता है और न ही ये कहता है कि राइट्स उसी को मिलेगा जो ड्यूटी फॉलो करेगा।